प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर से ही मेरी प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र सूर्य शनि ग्रह की युक्ति, कुंडली के प्रत्येक भावों में क्या लाभ क्या हानि देता है। जिसके कुंडली में लग्न में चंद्र सूर्य शनि हो, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं, भावुक होते हैं, उदार होते हैं, तंतु आलसी होते हैं। जिसके दूसरे भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ये पूर्ण उन्नति करते हैं, अच्छी जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग अपने नाम से पहचान करते हैं, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, ऐसे लोग की सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा सम्मानजनक बनती है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, उद्योगपति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, राजनीतिक में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा इनका पारिवारिक जीवन रहता है, कभी भी ये कर इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है। जिसके छठवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ये शत्रु विहीन होते हैं, हिम्मती होते हैं, चरित्रवान होते हैं, कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, इनके कभी इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला नहीं होती है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है, ये विवादों में रहते हैं, आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, कभी सफल नहीं होते। जिसके आठवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी के रोग से बीमार रहते हैं, मानसिक बीमारी रहती है, बुद्धि चलायवान होता है, किसी विश्वास नहीं करते। जिसके नौवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी असफल नहीं रहते हैं। जिसके दसवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ये भाग्यवान होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग राजनेता बनते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक बनते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसके ग्यारहवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा लाभ पाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी इज्जत प्रतिष्ठा धन दौलत तथा स्वयं का बनाया हुआ जाता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करते हैं, ऐसे लोग दया धर्म के प्रति अधिक विश्वास रखते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराने की इच्छा करते हैं रखते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। एक बार फोन नंबर फिर सुन लीजिए, 9425308111 है। इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।